अभी अभी हमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये इत्तला मिली है कि शेख रशीद साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद लाल हवेली के ऊपर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है और कोई चेयरमैन इवैक्यू प्रॉपर्टी ने खुफिया तौर पर यकतरफा तौर पर एक फैसला किया है जिसके तहत लाल हवेली को इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है, जिसकी ना तो कोई कॉपी दी गई है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में डायरेक्टली दी गई है। इसका मामला हाई कोर्ट में पहले से जेर समात है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख सदीक साहब की रिट पटिशन पर कॉग्निजेंस ली हुई है और चेयरमैन इवैक्यू प्रॉपर्टी और इवैक्यू प्रॉपर्टी के जो दीगर लोग हैं उन सबको नोटिसेस भेजे हुए हैं और उनको डायरेक्ट किया है कि वो कोर्ट में पेश होकर बताएं कि क्यों वो लाल हवेली के खिलाफ प्रोसीड करना चाहते हैं। तो लाल हवेली जो कि 1964 में बुदा बीबी को थ्रू पीटीडी जो परमानेंट ट्रांसफर ऑर्डर डीड था उसके जरिए ट्रांसफर की गई और बुदा बीबी से मुख्तलिफ हाथों में बिकते हुए 1987 में शेख सदीक अहमद जो मेरे क्लाइंट हैं और शेख रशीद साहब के भाई हैं उन्होंने खरीदी थी थ्रू रजिस्टर्ड सेल डी। उस वक्त से ये एक सियासी हेडक्वार्टर है शेख रशीद अहमद का, लेकिन चूंकि मौजूदा जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और मेरे क्लाइंट के खिलाफ, तो उस इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में लाल हवेली के खिलाफ भी गैर कानूनी प्रोसीडिंग्स इख्तियार की गई और जिसके बारे में अभी हमें बगैर किसी तहरीरी ऑर्डर के ना ही हमें ऑर्डर दिया गया ना राइट ऑफ हियरिंग दिया गया, हालांकि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप राइट ऑफ हियरिंग दें और उसके बगैर कोई फैसला ना करें, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन इवैक्यू प्रॉपर्टी ने जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर लाल हवेली के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। तो हम कल हाई कोर्ट में जा रहे हैं इसके खिलाफ, इंशाल्लाह अज़ीज़ कल हम पटिशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में जिसकी समाअत जो है वो जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त भी की जाएगी।